नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वृक्षा ध्यान का प्रयोग हम अपनी साधना में, अपने जीवनचर्या में शामिल किए हुए हैं। एक बेसिक प्रश्न हमारे सामने आ सकता है कि वृक्षा क्या है, और फिर दोबारा वही प्रश्न आ सकता है जिसको हम रोज कर रहे हैं कि ध्यान से होगा क्या। यह प्रश्न हर साधक के मन में बार बार उठना चाहिए और बार बार उठेगा। प्रेक्षा का तात्पर्य है देखना, राग द्वेष रहित तो होकर के देखना, बिना अटैचमेंट के देखना। लेकिन क्यों देखें और उस देखने का मतलब क्या है, उस देखने का संबंध क्या है? हम स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य से उसका क्या संबंध है, और जो साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं साधना के साथ उसका क्या संबंध है, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मनुष्य विचारों का पुतला है। जिस क्षण हम जन्म लेते हैं, जो हमें ज्ञात है, और जिस क्षण तक हम जीवित रहते हैं, हमारे अंदर अनंत विचार आते हैं। और विचार के साथ एक अद्भुत बात जुड़ी हुई है कि जिस प्रकार का हमारा विचार होता है वैसे ही परमाणु अनंत से हम ग्रहण करते हैं। ध्यान का सीधा संबंध अनंत की ऊर्जा से है, तो इस अनंत की संरचना कैसी है, यह अनंत है कैसा, यह ब्रह्मांड है कैसा? वैज्ञानिक आधार पर भी आज जाएं तो यह ब्रह्मांड केवल और केवल ऊर्जा है। यह ऊर्जा का भंडार है, अनंत ऊर्जा उसमें भरी हुई है। इस ब्रह्मांड में क्या होता है, एक उदाहरण लेते हैं। एक बीज है, बीज से बड़े होते होते उसने, बीज ने हवा ग्रहण की, पानी ग्रहण किया, खाद ग्रहण की, और बड़ा होते होते वह पेड़ बन गया। फिर वह पेड़ अपना आयु उसने पूर्ण कर लिया, उसमें जो पानी का तत्व था पानी में मिल गया, हवा का तत्व था हवा में, शून्य का तत्व शून्य में मिल गया, जो तत्व अग्नि का तत्व था अग्नि में मिल गया, और वह पेड़ समाप्त हो गया। और वह प्रक्रिया फिर शुरू हो गई एक नया पेड़ बनने की, एक नया बीज बनने की। वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती से कोयला निकाल करके हम जलाते हैं, तो यह वनस्पतियां जो करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले धरती के भीतर जम गई थी वे आज कोयले के रूप में हमारे सामने आ रही हैं। तो किसी प्रक्रिया को पदार्थ का नया स्वरूप लेकर के हमारे सामने आने में अनंत समय लगा जिसकी गणना हम नहीं कर पाते, कोई हमारे सामने तुरंत आ गया, लेकिन प्रकृति में दोनों चीजें लगातार हो रही हैं और वो हम लगातार देख रहे हैं। तो हमारे मन में जो घटित हो रहा है, हमारे विचारों में जो घटित हो रहा है, वह विचार उस अनंत में जो घटित हो रहा है उसमें से उसके परमाणुओं को ग्रहण करता है। जैसा हमारा चिंतन आता है वैसे परमाणु हम ग्रहण। बहुत मोटा उदाहरण मैं दूं, जैसे ही मुझे क्रोध आया तो मैंने क्रोध के परमाणुओं को अनंत से ग्रहण किया। वह क्रोध मेरे भीतर कहाँ है, वह मेरे विचार में, मेरे भाव में है, और उस भाव में उनके परमाणुओं को मैं अनंत से ग्रहण करता हूं। जैसे ही मेरे मन में शांति का भाव आया तो मैंने उनके परमाणुओं को अनंत से ग्रहण किया, और वो परमाणु, जैसे जैसे परमाणु मैं ग्रहण करता हूं वैसी वैसी मेरी संरचना अंदर होनी शुरू हो जाती है, वैसी वैसा उसका स्वरूप का निर्माण होना शुरू हो जाता है। विचार ही उसका निर्माण करता है। एक निर्माण की प्रक्रिया हमने देखी बीज से पेड़ बनने की, और दूसरी निर्माण की प्रक्रिया हम देख रहे हैं विचार से निर्माण होने की। कहा जाता है कि खेती पर यदि संगीत का प्रयोग किया जाए तो खेती अच्छी होती है,
एक उदाहरण दिया जाता है वैज्ञानिक ब्रूस लिप्टन के द्वारा, अफ्रीका के एक देश के अंदर जब किसी पेड़ को काटना होता है तो वे उस पेड़ को काटते नहीं है। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मर जाओ, और वह पेड़ धीरे 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 मरना शुरू हो जाता है। हमने एक विचार संप्रेषण किया, पेड़ की मृत्यु हो गई। हमने एक विचार संप्रेषण किया, जो लोग गार्डनिंग में बड़ी रुचि रखते हैं वो लोग ये कहते हैं कि घर में मेरे जो पौधे लगे हैं उनको मैं प्रेम करता हूँ, उनसे मैं प्रेम की भाषा में बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पौधे मेरे से बात कर रहे हैं और मुझे देख करके वो लहलहा उठते हैं, खिलखिला उठते हैं। वैज्ञानिक शोध ने यह अब प्रमाणित किया है कि एक कमरे में उन्होंने पौधे रख दिए, एक व्यक्ति उस कमरे से गुजरा और गुजरते हुए उसने यह भावना रखी कि मैं इस पेड़ के पौधे को उखाड़ कर फेंक दूंगा। दूसरा व्यक्ति उस कमरे से गुजरा और उसने उन पौधों को बहुत ही प्रेम की दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से देखा कि कितने सुंदर पौधे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, इनको सहलाने का मन करता है। उनके साथ पॉलीग्राफ लगा हुआ था दूसरे कमरे में बैठे वैज्ञानिकों के साथ। उन व्यक्तियों को दोबारा जब उस कमरे से गुजारा गया तो जिस व्यक्ति ने उन पौधों के प्रति दुर्भावना रखी हुई थी उसको देखते ही वे पेड़ पौधे कांप उठे और पॉलीग्राफ पर वो सुई यह अंकित करने लगी कि पौधे मुरझा रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो किस प्रकार से हमारे विचार ने सामने एक वनस्पति जीव तक को प्रभावित किया, जिस प्रकार से वह बाहर वनस्पति जीव को प्रभावित कर रहा है वैसे ही वह मुझे भीतर प्रभावित कर रहा है। इस विचार को मैं और आगे लेकर के जाना चाहूंगा। विचार की अवस्था एक प्रारंभिक अवस्था है, अंतिम अवस्था निर्विचार की है, शून्य की है। मैं फिर प्रकृति की, ब्रह्मांड की बात करता हूं कि बहुत स्थूल रूप में कहा जाए तो यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड तरंगों से भरा हुआ है, विचार भी तरंग है। लेकिन यदि हम सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तो यह पूरा ब्रह्मांड शून्य है और कुछ नहीं। वैदिक परंपरा में ऋग्वेद का एक श्लोक आता है जो बहुत उपयोग किया जाता है, पूर्णमिदं पूर्णमिदाय पूर्णमिदस्य, मुझे याद नहीं है पूरा, कि पूर्ण में से जब पूर्ण को निकाल देते हैं तब भी पूर्ण शेष रह जाता है। अब पूर्ण में से कौन सा पूर्ण निकालने से कौन सा पूर्ण शेष रह जाएगा? शून्य में से शून्य निकालने से ही शून्य शेष रह सकता है, क्योंकि शून्य ही पूर्ण है, वो अंतिम संख्या है। और उसमें से जब आप शून्य निकाल देंगे तब भी शून्य शेष रहेगा, यह ब्रह्मांड शून्य ही है। जब अब हम इसकी एक कल्पना दूसरी समुद्र की करते हैं, समुद्र के सतह के ऊपर बहुत ही लहरें आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे समुद्र की गहराई में आप जाते रहेंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि तरंगे कम होती चली जा रही है, लहरें कम होती जा रही है, अंदर बड़ा शांत हो गया। धरती पर हम बैठे हैं, धरती पर हवा भी चल रही है, धूप भी है और तरंगों का एक जाल बिछा हुआ है। धरती से हम आगे बढ़ते हैं, शून्य की ओर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की से परे जाने की बात करते हैं, एकदम शांत, जैसे कहीं कुछ है ही नहीं, केवल शून्य। प्रकृति का सही स्वरूप शून्य का स्वरूप है। अनंत शांति की जो प्राप्ति है वो अनंत शून्य में छुपी हुई है। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग हम प्रारंभ करते हैं सतह के साथ, हम शरीर के साथ प्रारंभ करते हैं, शरीर को देखना प्रारंभ करते हैं, हम चैतन्य केंद्रों को देखते हैं, हम रंगों को देखते हैं, और जिस जिस को हम देखते हैं वैसे वैसे परमाणुओं को हम ग्रहण करते हैं,
वैसी वैसी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और जहां जहां देखते हैं वहां वहां ऊर्जा को हम स्थापित करते हैं, परंतु अंत में ऊर्जा जाकर शून्य पर स्थिर हो जाती है। हम जब शून्य पर पहुंच जाते हैं तब हमारा अनंत ऊर्जा के साथ साक्षात्कार होता है। तो हमें दो स्टेज के ऊपर काम करना है, एक स्थूल रूप के ऊपर काम करना है और एक सूक्ष्म रूप के ऊपर काम करना है। स्थूल रूप पर जब हम काम करते हैं तो पैर के अंगूठे को जब मैंने देखना शुरू किया तो पैर के अंगूठे के जो परमाणु है उन परमाणुओं को मैंने गहराई से देखना शुरू किया, मेरे विचार की सारी ऊर्जा उस परमाणुओं के उस समूह को उसको देख रही है, वहां उसका ऊर्जा के साथ संप्रेषण हो रहा है, ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है विचार के साथ। और उस ऊर्जा के आदान प्रदान में यह भी संभव हो पा रहा है कि जहां जहां ऊर्जा की कमी है, जहां जहां ऊर्जा में डिस्टोर्शन आ गया है, विपर्य आ गया है, मैं उसको भी ठीक कर रहा हूं अपने विचार के अनुकूल। यदि मेरा विचार उचित नहीं है तो वह हानि भी करेगा, और यदि मेरा विचार सम्यक है, सही दिशा में है, तो वह मुझे लाभ करेगा। और वह नियम मेरे पूरे के पूरे अस्तित्व के ऊपर लागू होता है। किसी को कमर का दर्द है, उसने कमर पर जाकर के पीठ पर जाकर के देखना प्रारंभ किया तो वहां ऊर्जा का संचार होने लगा, वहां ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। पश्चिम के जगत में ध्यान के क्षेत्र में जितनी भी शोध हुई है, अधिकतर शोधें यही बताती हैं कि किसी स्थान विशेष के ऊपर जाकर जब उन्होंने गहराई से देखना प्रारंभ किया और उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी विधायक भाव का प्रयोग करना शुरू किया कि यह स्वस्थ हो रहा है, तो वह स्वस्थ होना प्रारंभ हो गया क्योंकि वहां ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। तो देखना और गहराई के साथ देखना का सीधा संबंध हमारी ऊर्जा के साथ है। परंतु यह ऊर्जा जब भाव के साथ जुड़ जाती है, रंग के साथ जुड़ जाती है, चैतन्य केंद्र के साथ जुड़ जाती है, तो उसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। क्यों? कि अनंत में रंग भी है, अनंत में भाव भी है, और उनका प्रतिनिधित्व हमारे चैतन्य केंद्र करते हैं। अभी अभी आपने प्रयोग किया तो आपको चंदा जी प्रयोग करवा रही थी कि सफेद रंग का ध्यान कीजिए, ज्योति केंद्र पर कीजिए। जब आप यहाँ पे ज्योति केंद्र के ऊपर ध्यान करते हैं, ये है हमारे सफेद रंग की ऊर्जा, जब यहाँ पर देते हैं तो मन को शांति प्रदान होगी, गहराई में जाएंगे। लेकिन इसी को जब बहुत आगे हम शून्य में ले जाएंगे तो हम शून्य की अनंत ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे। तो हमें यह विवेक रहना चाहिए, हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि हमें अंततः अनंत की शून्य की ऊर्जा के साथ जुड़ना है। हम श्वास का देखने का प्रयोग करते हैं, श्वास को देखते हैं और श्वास को नथनों के भीतर देखते हैं। हम श्वास को क्यों देखते हैं, श्वास को नथनों के भीतर क्यों देखते हैं, वही सिद्धांत लागू होता है। पहला, श्वास का आलंबन लेने से हमें बड़ी सुविधा हो जाती है कि हम आते जाते श्वास को देख रहे हैं तो हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है। ध्यान को केंद्रित करने में श्वास हमें बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। हमारे शरीर के अस्तित्व में श्वास को देखने से जितनी जल्दी ध्यान केंद्रित हो पाता है उतनी और से नहीं हो पाता। परंतु यह बात केवल यहीं समाप्त नहीं होती, यहां से तो केवल प्रारंभ होती है। श्वास के भीतर नथुनों में जाकर श्वास जहां अंदर ठंडा और गर्म महसूस होता है, जहां भीतर उसका टच हमें महसूस होता है श्वास का, वही स्थान तो हमारे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड का मेडिकल साइंस के मुताबिक है, और वही स्थान हमारे आज्ञा चक्र का ध्यान के योग के अनुसार है। तो मेडिकल साइंस में, फिजियोलॉजिकल साइंस में जब हम नथनों के भीतर देखना प्रारंभ करेंगे तो हम पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे, जो कि हमारी मास्टर ग्लैंड्स हैं, जो कि हमारी कंट्रोलिंग ग्लैंड्स हैं। वहां ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे,
और यदि हम ध्यान के क्षेत्र में ऊर्जा की बात करें तो वह हमारे आज्ञा चक्र का स्थान है, वह हमारे दर्शन केंद्र का स्थान है, वह हमारे सारे ऊर्जा केंद्रों का नियामक है। तो वही बात आंतरिक स्तर के ऊपर लागू होगी कि वो ऊर्जा केंद्र जब मेरा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा तो मेरे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उस ऊर्जा के प्रवाह से मैं अपने भीतर ऊर्जा का अतिरिक्त संचार अनुभव करूंगा और मेरे सारे मैं ऊर्जावान बनूंगा, मैं भीतर से स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाऊंगा। भीतर से स्वस्थ होना और बाहर से स्वस्थ होना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। अब वहां से और आगे की यात्रा मैं शुरू करूं तो फिर श्वास भी पीछे छूट जाता है, श्वास को देखने की प्रक्रिया भी पीछे छूट जाती है। अगर अलग अलग स्टेजेस की बात की जाए, जिन साधकों ने इसका बहुत गहराई से अनुभव किया है तो पहले श्वास का ठंडा गर्म होना महसूस होगा, फिर श्वास में रंग दिखाई देना शुरू होगा, श्वास का रंग महसूस होना शुरू होगा, जैसे हमारे ऊर्जा के परमाणु होंगे वैसे श्वास का रंग दिखे, श्वास की गंध आएगी, श्वास से गंध नहीं श्वास की गंध, क्योंकि पदार्थ के चारों गुण हैं, रंग है, स्पर्श है, गंध है, स्वाद है, तो ये चारों अनुभव होंगे। और इन चारों अनुभवों से जब आगे की स्थिति पर हम पहुंचेंगे तो ये अनुभव भी पीछे छूट जाएंगे, हम शून्य के साथ जुड़ेंगे। और शून्य के साथ जुड़ने का तात्पर्य है प्रकृति की अनंत ऊर्जा के साथ जुड़ना। हमारी यात्रा विचार की यात्रा है, विचार के माध्यम की यात्रा है। जैसे हम शरीर से प्रारंभ करते हैं, शरीर उसका साधन है, विचार से प्रारंभ करते हैं, हम देखने से प्रारंभ करते हैं, लेकिन अंततः हम शून्य की ओर पहुंच जाते हैं। क्योंकि यदि अनंत ब्रह्मांड शून्य ही है तो शून्य के साथ जो हमारा संपर्क है, शून्य के साथ जब हम जुड़ते हैं तब हम वस्तुतः अनंत ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, तब हम समुद्र की गहराई की उस शांति को अनुभव करते हैं, पहाड़ की चोटी की उस शांति को अनुभव करते हैं, स्पेस की उस शांति को, अंतरिक्ष की उस शांति को अनुभव करते हैं। तो यह प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग राग द्वेष रहित केवल देखने का प्रयोग है। राग द्वेष रहित इसलिए कि जैसे ही राग आएगा, जैसे ही द्वेष आएगा, एक तो यह हमारी दिशा बदल देगा और दूसरा राग और द्वेष बिना विचार के नहीं आ सकता। राग और द्वेष की उत्पत्ति और प्रस्तुति केवल विचार के माध्यम से होती है और विचार से हमें परे जाना है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जैसे कहा है कि जीवन में भोजन का बहुत महत्व है, लेकिन भोजन न करने की कीमत भी हम समझे। जीवन में वाणी का बहुत महत्व है, हम मौन रहने की कीमत भी समझे। और जीवन में विचार का बहुत महत्व है, हम निर्विचारिता की कीमत भी समझें। जितना भी हम लोग उपवास की ओर जाएंगे तो शारीरिक स्तर के ऊपर शरीर को विश्राम मिलना शुरू होगा, शरीर की इंद्रियों को विश्राम मिलना शुरू होगा, शरीर अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयोग प्रारंभ कर देगा। अब वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित करना शुरू कर दिया। एक बड़ा वैज्ञानिक प्रश्न मेरे मन में बार बार आता है कि धुआं क्या है। कहते हैं कि वैज्ञानिक यह दृष्टिकोण है कि धुआं इज इम्परफेक्ट बर्निंग। हमने लकड़ी को जलाया, अग्नि पैदा हुई और अग्नि के साथ धुआं पैदा हुआ। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो इस बात को जानते हैं। वह धुआं इसलिए पैदा हुआ कि वह हमारी बर्निंग परफेक्ट नहीं थी। जितनी ज्यादा परफेक्ट बर्निंग होगी उतना ही धुआं कम होगा। बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर बिल्कुल परफेक्ट बर्निंग हो तो धुआं होगा ही नहीं, केवल और केवल ऊष्मा पैदा होगी, धुआं वेस्टेज है। अब मेरा इससे संबंधित प्रश्न पैदा होता है मेरे मन में कि मैं भोजन करता हूं और मल निकलता है। मल क्या है? भोजन में से जो तत्व मुझे जरूरी नहीं था, जो मेरे पास अतिरिक्त था, वह मैंने शरीर से निकाल दिया, वह मल के रूप में काम आया, लेकिन उसमें बहुत कुछ तत्व बचा हुआ है। वह खाद के रूप में काम आता है, इसीलिए तो वह पौधे के काम आ रहा है, क्योंकि प्रकृति का साइकिल, प्रकृति में वेस्ट तो कुछ होता नहीं है।
तो मेरे शरीर से जो वेस्ट के रूप में निकला, गाय के गोबर से वेस्ट के रूप में जो निकला, वह उपयोग हो रहा है फिर भोजन के रूप में प्रकृति में। इसका मतलब उसमें भोजन के बहुत अंश शेष हैं। तो जिस प्रकार से इम्परफेक्ट बर्निंग से धुआं पैदा होता है, तो क्या यह मल जो निकल रहा है, यह गोबर जो निकल रहा है, यह जो वेस्ट निकल रहा है, या यह क्या इम्परफेक्ट पाचन नहीं है? क्या इससे बहुत कम भोजन से और बहुत अच्छे पाचन की प्रक्रिया से मैं अपने वेस्टेज के निष्कासन को कम से कम नहीं कर सकता? और मैं जितना कम करूंगा उतना ही क्या मेरा परफेक्ट पाचन नहीं होगा? क्या भोजन की मात्रा कम करना, क्या उपवास करना उसी दिशा में संकेत नहीं करता? तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि भोजन की कीमत हम समझें, भोजन न करने की कीमत भी समझें। वही बात तो वाणी के साथ लागू होती है, वाणी की उपयोगिता है, परंतु अनुभव यह बताता है कि जो जो मौन की ओर मुड़ा, जितना जितना वह मौन में गया, एक साधिका है जैन परंपरा में जो उन्होंने 22 साल की मौन की साधना की लगातार। अब 22 साल की मौन की साधना के बाद जो उन्होंने अनुभव लिखे, और ऐसे भारत में ऐसी परंपरा के बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने जीवन भर मौन की साधना की है, तो जो जैसे ही बाहर से मौन हुआ वैसे ही भीतर से मौन साधना शुरू हुआ और उनको अद्भुत उपलब्धियां उपलब्ध हुई, क्योंकि इन्होंने विचारों से दूर जाना प्रारंभ कर दिया और वो शून्य के साथ जुड़ना प्रारंभ हो गया। इसलिए जीवन में बोलना बहुत जरूरी है, परंतु हम मौन की कीमत भी समझें, और जीवन में विचार बहुत जरूरी है, हम निर्विचारिता की कीमत भी समझें। और निर्विचारिता आएगी जब हम केवल और केवल देखना रखेंगे, केवल और केवल देखना, देखने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जो साधक की साधना है वह केवल देखने की साधना है, उसकी प्रारंभिक अवस्था में हमारी शारीरिक मानसिक समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि हम शून्य की ऊर्जा के साथ जब जुड़ेंगे तो शरीर पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। जो चिंतन मेरे मन में आएगा वैसा ही निर्माण होना शुरू हो जाएगा, वैसा ही घटित होना शुरू हो जाएगा। प्राचीन इजिप्ट में कहते हैं कि वहां इस तरह का विज्ञान उपलब्ध था कि शरीर का एक अंग यदि कट गया तो चूंकि शरीर ऊर्जा का एक समूह है तो उन अंगों को पुनः उगाया जा सकता था, उस ऊर्जा को प्रेषित कर पुनः उगाया जा सकता था, वह ऊर्जा का ही तो स्वरूप है। तो हम अपने विचार की ऊर्जा से अपने भीतर वह निर्माण कर सकते हैं। जिस चित्र का हम निर्माण करेंगे, जिस विचार का एकाग्रता के साथ हम निर्माण करेंगे, जिस सघनता के साथ हम निर्माण करेंगे, वैसा निर्माण हो जाएगा। यह अब विज्ञान के द्वारा प्रमाणित होने लगा है, इस पर बहुत साहित्य आने लगा है। तो जब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे हम मोटापे पर काम कर रहे हैं, चाहे हम पैनक्रियास पर काम कर रहे हैं, चाहे हम हार्ट पर काम कर रहे हैं, चाहे हम ब्लड प्रेशर पर काम कर रहे हैं, चाहे हम स्किन डिजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे मानसिक अशांति के बारे में हम काम कर रहे हैं, चाहे हम दर्द के रूप में काम कर रहे हैं, हम जितनी एकाग्रता जितनी सघनता के साथ जिस चित्र का निर्माण करेंगे और जितना स्वस्थ वह चित्र होगा उतना ही हमें स्वास्थ्य प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा हमारे बहुत से साधकों के अनुभव हमें बता रहे हैं कि जो वर्षों से अलग अलग बीमारी से पीड़ित थे, वर्षों की बीमारी हफ्तों में और महीनों में ठीक होने लगी। तो यह कैसे संभव हुआ? उन्होंने भीतर से परिवर्तन करना प्रारंभ किया। परंतु आज की अपनी चर्चा में मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह केवल हमारा प्रथम सोपान है, केवल प्रारंभ की यात्रा है, केवल वहां से हमारी शुरुआत होती है, हम उस यात्रा पे रुके नहीं। स्वास्थ्य हमारा लक्ष्य है, स्वास्थ्य को प्राप्त करें, क्योंकि शरीर रूपी साधन से ही हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो हमारा ये है, जो हमारा ध्येय है। इच्छा ध्यान जैन परंपरा का ध्यान का एक प्रयोग है, और अधिकतर लोग जो जैन परंपरा से जुड़े हुए नहीं है उनकी जैनों के बारे में यह धारणा रहती है, अब तो पर्युषण पर्व भी चल रहे हैं, कि जैन लोग अपने आप को कष्ट बहुत देते हैं, पर्युषणों में जैसे उपवास बहुत लोग रखेंगे,
कि जैन लोग अपने आप को कष्ट देते हैं। मेरा मानना यह है कि वास्तविकता संभवतः इसके बिल्कुल विपरीत है। जैनों ने इस मनुष्य शरीर को जितना महत्व दिया या शरीर को जितना महत्व दिया उतना और कहीं दिया हो या इन्होंने कम दिया हो ऐसा कहना कठिन है। जैनों ने कहा कि इस शरीर के माध्यम से ही आप अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह मनुष्य शरीर आपके पास नहीं है जिसमें अनंत चेतना है, जिसकी सर्वोत्तम चेतना जिसके पास है, चेतना का जितना विकास मनुष्य के शरीर में है इतना किसी दूसरे क्रिएचर में है ही नहीं। वे केवल इंस्टिंक्ट से जीते हैं, उनकी चेतना का सीमित विकास है। तो मनुष्य का जो शरीर है वो जितनी भी योनियां हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और चूंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है तो इसका उपयोग हमें अनंत की यात्रा के लिए करना है। तो अनंत की यात्रा के लिए जब हम शरीर का प्रयोग करते हैं तो इस प्रयोग को हमें किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसमें उन्होंने उनोद्री का, कम खाने का, उपवास का, तप का महत्व दिया कि इस शरीर को हम उस चरम लक्ष्य के लिए किस प्रकार से साधें। आप इसे इस रूप में समझें कि किसी आदमी को इस शरीर को कुश्ती के लिए तैयार करना है तो उसको एक अलग तरह का भोजन लेना होगा। बॉक्सिंग के लिए तैयार करना है, रेसलिंग के लिए तैयार करना है, किसी को इसी शरीर को रनिंग के लिए तैयार करना है, और किसी को इसी शरीर को जिम्नास्टिक के रूप में तैयार करना है। तो जिस लक्ष्य के लिए जिसको शरीर को तैयार करना है उस रूप में उसका भोजन अलग होगा, उसकी दिनचर्या। और किसी को हीरो हीरोइन बनना है उस रूप में उसको अपने आप को साधना है कि मैं स्क्रीन के ऊपर कैसा दिखूं। तो जिसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के मुताबिक उसे वह भोजन ग्रहण करना होगा। अब कुश्ती वाला हीरो वाला भोजन नहीं ले सकता और हीरो कुश्ती वाले का भोजन नहीं ले सकता, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। जिम्नास्ट वाला रनर वाला भोजन नहीं ले सकता, रनर वाला जिम्नास्ट वाला भोजन नहीं ले सकता, दोनों के भोजन में अंतर हो। तो जिसने अपने शरीर के माध्यम से जो लक्ष्य निर्धारित किया उसको उसी प्रकार का भोजन लेना होगा। अब जैन परंपरा ने इस शरीर का लक्ष्य निर्धारित किया, चरम लक्ष्य कि मुझे मोक्ष की ओर जाना है। तो मोक्ष की ओर जाने के लिए मुझे किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितने प्रकार से लेना चाहिए, उसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए, क्या सम्मिलित नहीं होना चाहिए, कितने अंतर पर लेना चाहिए, वह निर्धारण किया। क्या यह सुनने में आया है कि केवल उपवास से किसी व्यक्ति ने की मृत्यु हो गई, वह जो अपने आप को साध नहीं पाया, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी एक बड़ी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो उन्होंने ये निर्धारित किया कि हमें इस प्रकार का भोजन लेना है, फिर इस प्रकार से विचार करना है, और उस भोजन को और उस विचार को साधने के लिए हमारी इस प्रकार की जीवन पद्धति होनी चाहिए। रात्रि को भोजन नहीं ग्रहण करने के पीछे भी यह एक मूल तत्व है उसके पीछे। रात्रि को भोजन में अधिक जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, अधिक जीवों की हिंसा होती है, वो अधिक हिंसा होगी तो वह हिंसा वैचारिक स्तर के ऊपर, भावनात्मक स्तर पर मुझे प्रभावित करेगी। रात्रि को भोजन में चूंकि जीव अधिक है तो वह मेरे पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा, तो वह मेरे विचार को प्रभावित करेगा, तो वह मेरे भाव तंत्र को प्रभावित करेगा, तो मैं शरीर से, मन से, भाव तंत्र से स्वस्थ नहीं रह पाऊंगा, तो अपने चरम लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाऊंगा। उसके पीछे वह रहस्य छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से हम शरीर के इस रहस्य को समझें कि यह शरीर साधन है उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उस शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है जिससे मैं चरम लक्ष्य की ओर बढ़ सकूं। उस स्वस्थ रखने के लिए मुझे अपने भोजन की चर्या में परिवर्तन करना होगा, मुझे अपने विचार की चर्या में परिवर्तन करना होगा, मुझे शून्य की यात्रा की ओर कदम बढ़ाने होंगे। उसका प्राप्ति मुझे प्रारंभ में दिखाई देनी शुरू होगी शरीर पर ही, कि मेरा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। मुझे विचारों के ऊपर दिखाई देनी शुरू होगी, मेरे विचारों की दिशा बदलनी शुरू होगी। मुझे भाव तंत्र पर दिखाई देनी शुरू होगी कि मुझे अधिक शांति और अधिक अभय महसूस होना शुरू होगा, मैं अधिक अपने आप को प्रसन्न महसूस करूंगा। और अगर ये लक्षण मुझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं अपनी दिशा की ओर सही कदम बढ़ा रहा हूं, मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए।
तो हम प्रेक्षा ध्यान के उस मूल उद्देश्य को भी ध्यान में रखें, हम मूल उद्देश्य को दृष्टिहीन कर दें, दृष्टि से दूर कर दें और केवल बाहर पर टिके रहें तो हम उसका पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। स्कूल की शिक्षा से, कॉलेज की शिक्षा से हो सकता है मुझे नौकरी अच्छी मिल जाए, परंतु नौकरी मेरा चरम लक्ष्य नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति, सही और गलत का विवेक, इस प्रकृति के नियम को समझना, वह उसका मूल उद्देश्य है। समझने में, उस प्रक्रिया को समझने में मैं अपने आप को किसी एक स्किल में तैयार करके नौकरी भी कर लेता हूं, यह उसकी बाई प्रोडक्ट है, यह उस रूप में वो मुझे उपलब्ध होती है। तो हम अपने मूल लक्ष्य से वो भी ध्यान में रखें और उस रास्ते में जो हमें प्राप्ति हो रही है उसके प्रति भी जागरूक रहें, यही मेरा निवेदन है। आपके जो भी प्रश्न हो उन प्रश्नों को मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपका स्वागत है किसी भी प्रश्न के लिए। नवलखा जी अनम्यूट करें, नवलखा जी अनम्यूट करें। बम्बई से नवलखा जी पूछ रहे हैं। बम्बई से बात करूं, आपकी आज्ञा हो तो एक सवाल पूछना है। जी आदेश दें सर। आपने अभी ये वैदिक परंपरा में पूर्णमिदम की बात कही, बहुत अच्छी बात है। जैन दर्शन में दो तत्व माने गए, जीव अजीव। वो कभी जीव अजीव नहीं होगा, अजीव जीव नहीं होगा जी। यहाँ तो शून्यता होगी नहीं फिर, तो हमने जैन आगम में और जैन दर्शन में पढ़ा हुआ है, इसमें कोई खुलासा आप कर सकें तो बहुत धन्यवाद है। देखिए, उसको प्रकारांतर से समझने की आवश्यकता है। आप अलोकाकाश में जब जाते हैं तो क्या है, अलोकाकाश शून्य है या भरा हुआ है? शून्य ही है सर। तो फिर यात्रा कहाँ की है? लेकिन सर लोक में, हम तो लोक में रह रहे हैं, ये सारी परिवर्तन। मैंने कहा लोक से अलोक की यात्रा। आप केवल लोक की प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से केवल लोक की यात्रा कर रहे हैं कि अंततः आपका उद्देश्य अलोक की यात्रा करना है? जो अरिहंतों ने साधना की, अरिहंत जो साधना करते हैं, जो केवली साधना का केवल्य के लिए साधना करते हैं, वो अनंत के लिए साधना करते हैं कि केवल इस लोक के लिए साधना करते हैं? हमारा चरम लक्ष्य क्या है? सिद्धत्व है। हाँ, तो फिर मैं उसी के बारे में संदर्भ में बात कर रहा हूँ। देखिए, जैन दर्शन जो है वो अनेकांत का दर्शन है और अंततः दर्शन रहेगा ही। आइंस्टीन ने भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कही और जैन दर्शन भी अनेकांत के दर्शन की बात कर रहा है, रिलेटिविटी की बात कर रहा है। किस रूप में आप उसको देखते हैं उस रूप के ऊपर निर्भर करता है। वह जो शून्य की यात्रा कर रहा है, वह भी जो शून्य की बात कर रहा है, वह भी पूरे ब्रह्मांड को साथ में लेकर के बात कर रहा है। स्थूल रूप में मैंने आपसे समुद्र की बात की समझने के लिए, मैंने कहा कि साहब आप समुद्र की सतह और समुद्र की गहराई में जाइए, है तो दोनों ही समुद्र के अंग, लेकिन वहां जहां हम गहराई में गए अंतर आया। तो वही जब हम अनंत की बात करते हैं, अनंत की यात्रा करते हैं, तो वह अंतर आता है। आज रमन जी चुप हैं। जी ध्यान से सुन रहा हूँ, शून्य की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, बहुत बहुत आप में से कुछ लोगों के जरूर ऐसे अनुभव होंगे कि कभी कभी ध्यान करते हुए आपको उससे बाहर आने का मन ही नहीं करता। सही है, आप वही रह जाना चाहते हैं। तो आप तो बाहर इतना ध्यान लगता है, भीतर ये ध्यान क्यों टिका? वहां तो कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर क्यों ध्यान टिका? क्योंकि वह हमारी मूल प्रकृति है, बाहर उसका केवल प्रतिबिंब मात्र है। तो हम प्रतिबिंब, मैं एक बार धर्मशाला गया हुआ था तो वहां चिन्मय आश्रम है, चिन्मय आश्रम 2017 की घटना है। तो चिन्मय आश्रम में उनके प्रमुख स्वामी जी थे, उनसे मेरी संयोग से मुलाकात हो गई और उनके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला। तो मैं उनके पास बैठा था, चर्चा चल पड़ी। तो अभी जैसे नवलखा जी ने कहा कि जैन परंपरा में पदार्थ को और चेतन को, कॉन्शियसनेस को और मैटर को अलग अलग माना जाता है, ये दोनों स्वतंत्र हैं। मैटर कभी भी कॉन्शियसनेस नहीं बन सकती और कॉन्शियसनेस कभी मैटर नहीं बन सकती। यह एक द्वैतवाद और अद्वैतवाद की एक परंपरा चलती रहती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने, आपकी परंपरा में, वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा में जो है यह मानते हैं कि ईश्वर का सब प्रतिरूप है, यह पदार्थ जो है इस टेबल मेरे सामने रखी है यह भी ईश्वर का ही प्रतिरूप है, यह प्रकारांतर से बात कहने की बात है। तो मैंने कहा कि साहब ये बताइए कि पदार्थ है कि नहीं।
तो उन्होंने कहा कि आपने बड़ा सही प्रश्न किया, बड़ा कठिन है इसका उत्तर देना कि ये पदार्थ पदार्थ है या केवल आभास मात्र है। और यह भी सही है, अगर क्वांटम फिजिक्स में आप जाते हैं, हम में से कई विज्ञान के विद्यार्थी हैं, क्वांटम फिजिक्स के अंदर अब जॉन हॉकिंस ने कहा कि पदार्थ को जान ही नहीं सकते आप। जैन परंपरा भी ये कहती है कि आप पदार्थ को नहीं जान सकते, पदार्थ को जाना नहीं जा सकता, केवल स्थूल रूप में आप जान सकते हैं, सूक्ष्मतम रूप में पदार्थ को आप जान नहीं सकते। और क्वांटम फिजिक्स भी यही कह रही है कि आप पदार्थ को नहीं जान सकते, केवल उसके स्थूल रूप को आप जान सकते हैं, उसका जो ओरिजिन है, उसको सूक्ष्मतम स्वरूप है, उसको जान नहीं सकते। जब उसको जान नहीं सकते तो वह केवल आभास मात्र रहा, तुम क्या कहेंगे? तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न वहां रह जाता है, उसको वहां छोड़ दे एक बार के लिए, हम ना इसका कभी समाधान हुआ है, और वो जहां जहां हमें समाधान मिलेगा वो हमें हमें समझा नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारी सीमा है। तो जिनको समाधान मिला उन्होंने समझाने का प्रयास किया, ना हम लोग समझ पाए ना समझ पाएंगे, बस यहां तक सीमित करके आगे बढ़ते हैं। सर पदार्थ में तो उत्पाद की बात आती है, अभी इस प्रश्न को भी नोलखा जी अपने व्यक्तिगत चर्चा के लिए रखते हैं बात। चलिए जी 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 जी, कुछ और प्रश्न आ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर जी। हाँ जी सर, बहुत ही सुंदर वर्णन, अपने से जोड़ने का पूरा प्रयास सर, वाकई में बहुत सुंदर। आपने ये कहा कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, तो उसके सारे तत्व हमारे तक हैं, बस उसने हमें हमारे भीतर ही बैठा है, बट हमें एक पर्दा पड़ा है संसार का, माया का, मोह का, मेरे से जुड़ने का, मैं और मेरे का। वो पर्दा जैसे जैसे हटता जाता है, हमारे वो पट खुलते चले जाते हैं, हम भीतर से जुड़ते चले जाते हैं, और अपने में ही जो बाहर ढूंढ रहे थे वो भीतर ही पड़ा है। जो आनंद जो शांति, जो विचार शून्यता आपने बताई, वो बहुत ही सुंदर भाव है, क्योंकि निर्विचार होना बहुत सुंदर है, मौन होना बहुत सुंदर भाव है, जितना हम मोह ही में यात्रा नीचे से नीचे। तो सर ये था कि ये यात्रा में जो हमारे छोटे छोटे पस्से हमारे कट जल्दी जल्दी हो। मैं आपको बताता हूँ कि जैन परंपरा में कर्म की जो थ्योरी बताई गई है उसमें दो कर्म बताए गए हैं, वैसे तो आठ कर्म बताए गए हैं, लेकिन दो मैं चर्चा के लिए यहां कह रहा हूं, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय। ज्ञान का आवरण, नॉलेज के ऊपर एक कवर आ गया, मेरी नॉलेज अब प्योर नॉलेज नहीं है, इट इज क्लाउडेड नॉलेज, ये कवर्ड है। और दर्शनावरणीय कि मेरा जो दर्शन है, मेरी जो सोच है, डायरेक्शन है, वो भी उसके ऊपर भी कर्मों का आवरण आ गया है, इसलिए मेरी नॉलेज परफेक्ट नहीं है, मेरा दर्शन परफेक्ट नहीं है। वो परफेक्ट नहीं होने का कारण यह है कि उसके ऊपर कर्मों का आवरण आया हुआ है, इट इज क्लाउडेड बाय दैट। तो जब मैं शून्य की यात्रा करता हूं तो मैं उस आवरण को चीरता हूं, उस आवरण से बाहर आना शुरू करता हूं। तो जैसे जैसे वो कर्मों के आवरण से मैं बाहर आता जाता हूं, ज्ञान का आवरण जब हटना शुरू हो जाता है, दर्शन, दर्शन का मतलब देखना नहीं है, दर्शन का मतलब डायरेक्शन, सोच, दिशा। उसी बात को एक आदमी जो है नेगेटिव सोचता है, एक आदमी पॉजिटिव सोचता है, तो जो उसकी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन वो निर्धारित करती है कि आप एक शिक्षा का मतलब नौकरी मानता है और एक शिक्षा का मतलब ज्ञान मानता है, यह सोच का फर्क है, दर्शन का फर्क है। तो ये दर्शन का जो फर्क है, यह ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मों के कारण है। और जब मैं शून्य की तरफ झुकता हूं तो मैं उस आवरण से बाहर निकलता हूं, जब मैं उस आवरण से बाहर निकलता हूं तो ज्ञान के ऊपर से आवरण हटता है, दर्शन के ऊपर से आवरण हटता है, मैं बाय डिफॉल्ट नॉलेजेबल होना शुरू हो जाऊंगा, बाय डिफॉल्ट मेरा जो है वो दर्शन ठीक होना शुरू हो जाएगा, डायरेक्शन ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मैं भीतर से भी बहुत कुछ वो प्राप्त कर सकता हूं जो बाहर किताब से प्राप्त नहीं कर सकता, इंद्रियों का उपयोग करके जो प्राप्त नहीं कर सकता उसे कहीं बहुत ज्यादा शायद मैं भीतर से प्राप्त कर सकता हूं। और आप ये देखिए, इंट्यूटिव पावर है क्या, वो भीतर से प्राप्त करने की तो है, और इंट्यूशन की जागृति ध्यान से होती है, हम इस बात को जानते हैं। संजय चौरड़िया जो आज उपस्थित नहीं है क्या? नहीं, संजय जी नहीं है आज। संजय जी होते तो वो बड़ा नॉलेज रखते हैं, उनकी बात का भी हमें। तो चलिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे पता नहीं कितना रस भरा और कितना नीरस आपको लगा।